हार्दिक बधाई है, अभिनंदन है। आज आपके बीच में हम 25 साल के बाद नजर आ रहे हैं। यहाँ कभी आए थे, इससे पीछे मंदिर से पीछे ही जगह थी, ये प्रांगण सब बाद में हुआ है। यहाँ की संगत को लगने बधाई है। स्टैंड में मिलेंगे भाई, कहीं दूर जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आ जाए भाई। ये 2 महीने ऐसे आए डेली सत्संग, हर गांव में। इसके बाद तो भाई काम धंधे पर चले जाएंगे। और वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आपने नितिन जी को भी सुना है, बहुजन एकता, और इनसे पहले चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के चीफ, उनको भी आप देख रहे हैं। 4 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी बहन कुमारी मायावती, माननीय काशीराम जी, बाबू जगजीवन, ये कमेटी बैठी है, जितनी प्रसन्नता हमने इनके चेहरे पे देखी है। गांव में तो हम सभी जगह जहाँ सौरभ भी गए हैं, इस क्षेत्र में लगभग हम इतने दिन के बाद उतरे हैं, उधर तालू राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बुलंदशहर, उस साइड में ज्यादा प्रोग्राम होते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना भारत के चारों कोनों में घूमे जा, जा जा भी मारे अंशी तारा दे। और बता दिया आवाज समझ में आ रही थी, आप कभी हमने विकेट की मारे। यह आध्यात्मिक मंच है, राजनीति का जब समय आता है तब हम मात्र एक अध्य पौवे में बिक जाते हैं और मारे कैंडिडेट हार जाते हैं और दूसरे जीत जाते हैं, और अब क्या कहेंगे। और यहाँ आज तुम मेरे पर तुम कुछ कुछ गाओ, मारी समझ दबा है, सत्संग चलाओ, मर्यादा के तहत चलाओ, ये संत समाज है। राजनीतिक मंच डॉक्टर पी आर अम्बेडकर 14 अप्रैल आती है, उससे भी अलग बहुत मंच हुआ करते हैं। यह आध्यात्मिक क्षेत्र है और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग कहते हैं भजन राम के जन्म अमोलक जा रहा। यहाँ की पूरी कमेटी चाहती है कि महाराज जी वो वाणी होनी चाहिए, बार बार नहीं आवे जन्म तेरा। मैं कह रहा दोबारा आवेंगे जी करेंगे, आज तो मारे वाले होंगे। और एक बात हमें पूरी सी लगी, जब द्रौपदी का महाभारत में चीर हरण हो गया था तो पितामह भीष्म आचार्य, द्रोण कुलगुरु के प्राचार्य, कर्ण जैसे मारती और धर्मराज जी भीष्म जैसे बैठ के देख रहे थे। और वो दुशासन के करा था, सबको पता है भाई। मैं तो दर्शन होने गया कि भाई अध्यक्ष भी बैठा है, संचालक भी बैठा है और साधु समाज भी बैठा। मैं कहता हूँ जब मारी छोरी वह गाड़ी थी ना भाई, उसके गले में जो मारा पड़ी हो मैंने अच्छी थी, और ऐसा करियो भी ना। अरे गवारी छोरी हमारी जो मन से मारा
मैं उस भाई को भी कहूंगा बेटा अच्छा ना करिए, और उस छोरी से भी कहूंगा तेरे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, कैसे हिम्मत पड़ गई भाई ऐसा नहीं करियो। और जिसकी जिस परिवार की व्यवस्था बिगड़ती है, जिस समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, मैनेजमेंट बिगड़ता है, उसका पतन होता है। हैदरनगर वालों से प्रार्थना करेंगे कभी भी ये दो मंच न लगाना, इधर भी साधु हैं, ये भी किसी मठ के महंत हैं, सत्यानंद जी का उनका स्थान बनाना तो इन्हीं के बीच में बना दिया करो। इन कैमरे वाला नहीं है घुमावे, वो श्री अरदास आश्रम टीवी चैनल चल रहा है, वो नहीं गई बड़ा होगा नहीं गई चाल, मित्र सेन का कैमरा नहीं गलत रहा नहीं गई चाल। तो साधु समाज का खाइए की स्टेज बना दो, चाहे इधर बना दो चाहे इधर बना दो, ठीक है ना। सत्यनंद जी को यदि ऊंचा स्थान, गुरु गद्दी वाले महंत को ऊंचा स्थान देना है तो एक चार पाई या मतलब सोफा डाल दो ऊंचा हो जाएगा। हम निंदा नहीं करेंगे, एक मैनेजमेंट बता रहे हैं, याद रहेगा। तो मैनेजमेंट करिए और सत्संग के नियम बनाइए। अंडा मीट डाल सुल्फा गांजा भांग मथुरा, इसका सेवन मनुष्य के लिए निषेध है बिल्कुल। पान दूध का साथ सब छोड़ करके सात्विक आहार करिए, माता पिता की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए और पढ़िए। पढ़ाई सबसे बड़ा धन है, पढ़ाई के बल पर आज हम यहाँ तक आए। और जो पढ़ाई ना रही तो फिर पशु समान हो जाएंगे, फिर वही जाना पड़ेगा। तो पढ़ाई करिए, एकता करिए और संघर्ष करने की जरूरत नहीं, अपने आप भारी बनती है। तुम भारत के मूल निवासी हो, इनकी मार में से कुछ नहीं होता। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को ऊंच नीच सब संबंध रहे दास रहे सब। अरे जी तुम भारे में भेज के रहे साधु संतों में, वहां रविदास की वाणी झूठ बोलते हैं, गलत है। संतवाद यदि करना है तो अपने समाज को ही संतवा हमें, अरे पूरी छत्तीसगढ़ को संतवा हमें निकलोगे, पहले तुम कुनबा इकट्ठा कर लो, बोलो साधु हर बार पूरी लगेगी मेरी जेब में गिर दियो, चार रुपए साल हो रहे जो कह नहीं मैं क्या करूं। अरे पानी के माध्यम से पूरी जनजाति, पूरी बहुजन को और पूरे सनातन को और पूरे मुस्लिम समाज, एक्स वाई जेड सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समझाएगी ये वाणी। सुनी नहीं होगी आज सुन लो। साधु तो से आ रहे हैं हड़की हड़की गंडू हड़का हड़का साज, मेरी आवाज समझ आनी चाहिए। यू गायक का श्रृंगार है दबर दबर भी खुली जागो रे दिन जागना कोई ये जागने की बारी, फिर क्या जागे नानक जब सोए फिर के भाजा जी लुटले। ये मनुष्य का चोला मिला है नहीं तो चौरासी में ज्यादा। माता नवरात्र में माता रानी पूज रही है, घर में सास माँ की बेहद रही है, कोई फायदा नहीं है। कावड़ ले जा रहे घर में दादा बीमार है, उसके लिए दवाई का पैसा नहीं है। नहीं भाई, यदि तुम उस मोक्ष को उस धाम को प्राप्त करना चाहती हो तो ये छोटी छोटी बात याद कर लो, नहीं तो खारा कड़ा क्रम तुम्हें भोगना होगा। कैसे हरि कर करम Oh, 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 oh
आशीर्वाद धन्यवाद देती ही पाने के बीच में हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो भी हमारा सम्मान कर रहा है उसको लग लग बधाई नहीं तो गूंगे हो जाओगे, फिर कोशिश करोगे नहीं बोला जाएगा। कैसी समझा दिया आतन मन बंधन करम पे पड़ता पाचीन दरिया होता मन पे थोड़ा वतन पिटाते घर का मन का होता जो कोई मन करे पाप कमाए बेतनी खावे होता जो कोई मन से पाप कमावे। अरे मन से पाप जानो हो नंके पड़ोसी के खमाग लग जा। अरे पड़ोसी के नजीवा लग जा पर धार लाग जाती या चुकर हुई है पक्का दृष्टांत बताएंगे।
तक पड़ा रेता चंदन नहीं बिक रहा था, चंदन नहीं बिक रहा, और चंदन में सिर्फ राधा पूजा करते। लकड़ा हरे ने सोचा यदि रोड़ा करोगे तुम बांध देंगे, उड़ा फूलो रोका बैठ कर बहन से ही जाएंगे। कदम यू सोच रहे हो, यू सोचा सस्ता नहीं है, सत्संग सस्ता नहीं होता। ठीक है, श्रद्धा काम करिए, डर के जाइए। सबको धन्यवाद। लकड़ा हरे ने रात दिन भजन करना शुरू कर दिया। राजा मरे मेरा चंदन भी कहते, राजा मरे चंदन भी कहते। डॉक्टर भी नहीं सोचते मरीज हो तो इंजेक्शन लाओ। भाई भावना है ना, लेकिन इस पानी के माध्यम से बताती वो फ्रीक्वेंसी राजा के दिमाग में टकराएगी, और राजा अपने वजीर से कह रहे थे वजीर को, हाँ जरा वो लकड़ा एक घर है ना, पूरे रास्ता चौड़ा करेंगे ठीक लेके चालू। अरे शरीर खाली और ना पड़ लगे लकड़ा यू के मामला यू को, भाई रास्ता चौड़ा होगा और तेरा घर तो रास्ते में चला गया है। कहना भूल गया राजा मर चंदन भी तो कहना भूल गया, बताना भारी हो गया। राजा तो रास्ता न पुआ के चला गया, पर वजीर के दिमाग में एक बात आई है, राजा का इस गरीब ने के बिगाड़ा। रात को राजा पहले निरीक्षण किया करते थे, आजकल तो राजा को टोल डालते हैं, जनता मरती मरो विदेशी भ्रमण कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं पढ़ा लिखा समाज समझ ना हो। अरे वजीर आते ही लकड़ा हरे का द्वार खटखटाया, कुंडी खोली, उन्हें कहानी लाए जिसका घर ही रास्ते में चला गया हो। वजीर को देखते ही और कर गया, पता नहीं और भी सजा देगा। वजीर कहेगा झूठ ना बोलिए, तुम्हें बता करना अपने मन में कुछ गलत तो नहीं सोचा राजा के प्रति। कह लगा जी मारो चाह छोटो, मैं तो छह महीने तक भजन के जाता राजा मरे चंदन भी। कह लगा यू ही तो रिजल्ट लिए जाता, बतेरे बड़े बड़े मैन सोचा है पर मन की कालस नहीं जाता, सारी जिंदगी संत गति में चली गई पर मन का मेल नहीं गया। रविदास महाराज कह नुक मन चंगा तो प्रकृति में गंगा, वो संत रोने भगवान को छोटी चीज नहीं थी, हम तो उनके चरणों की रोटी नहीं है। वजीर ने सच बोल दिया, सॉरी लकड़ा हरे ने सच बोल दिया। वजीर के दिमाग में वजीर के लगा सुन तने छह महीने को बदल करा राजा मैं चंदन के, इफ तू एक मन नाम दू तने मंत्र दू हूं तू उसका जाप कर ले, हो सके तेरा घर बच जा। नुको महाराज वजीर साहब के दो नुको तुम यू के ना शुरू कर सही चंदन बिके या ना बिके राजा जुग जुग जी है। समझ में आ रही है ना भाई, चंदन बिके या ना बिके राजा दुग दुग जीवे। अरे छह महीने उड़ा पुकार गई पर सारे परिवार में दर्द में बैठना भक्ति भी नहीं थी, बैठना बैराग और सच को पिट पिटता नहीं मन मन का दादा। अरे बैठा बड़ा कहाँ है ये तड़की गुंडे उधर तक जगा मर्द जी सारे मंड के बच्चे भी मंड के चंदन भी कह रहा था राजा दुग दुग ये चंदन भी कह रहा था राजा दुग दुग जी है। फ्रीक्वेंसी पे तो ये थी वो लकड़ा रही काम कर रहा था पांच सात मंड के रात रात में फ्रीक्वेंसी को जिस तरह की एक है उसके राजा चले वजीर एक सिमन मार रहा है छोटे में बड़ी बात नहीं है, रास्ता तोड़ा ही एक नहीं कौन तोड़ा है तो कभी करे है राजा हो या
ऐसी दक्षिण वाले बाबा सड़क खुल रहे हैं, लेने के रास्ते अलग है, देने के अलग है। दूसरी कड़ी में कैसे दिया, एकदम प्रधान बताया एकदम प्रधान बताया जग में बेटा पर कैसे आते तुम्हे कर्म करे हम या सभी को रहते हैं अच्छे सबो बार बताओ मैं गंदे अंदर रहते हैं एक पांच साल का बालक हो एक पचास साल का बूढ़ा भी उसका ट्रैक रही देख ले और कहीं किसी हम देखो रास्ता पार कर दस को बतावे और जब जुलम जलाल करे वो किसी को नहीं बताता भला आज के भूले कर्म करे वे या कभी को रहते आज सो सो पाक सावे गंदे अंदर रहते ते ओखे जो प्रार पतो गंदे अंदर रहते भला पाप तू पारा बता दिया पारा शरीर थोड़े पर निकलता और चारों अमरीका बेटी चार बालक पढ़ाए पढ़ा लिखा था अमरीका बेटी एक डॉक्टर बनाया एक इंजीनियर बना दिया एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक और एक ठेकेदारी करनी शुरू कर दी थी और पहले एक रीति हुआ करती लड़के तो नौकरी चाकरी को या करते पर उनकी जो बधुए में आकर करते बहुए विश्वास रखो उनकी सेवा को या करते इसलिए कहते हैं बुढ़ापा बड़ा बैरी हो और जो बूढ़े 60-70 साल तक पर है वे मेरी बात पर ज्यादा गौर करें 80-90 साल का बूढ़ा खाट पर बैठा और उसका जाकर अनजान आदमी को होता था राम राम कह लगा राम राम के हाल है कह लगा भूख के हाल को ज्ञान कह लगा के बात कह लगा ना बेटा सुनता ना बेटी ना पोता सुनता और मुके कद पटे राम जिसकी कद मरेगा यू चारों लड़के अमेरिका में घर में चार बहू पर जिन जो बूटा हो माया में लिखते एक एक बात नोट करियो और जिन तेरे जन फिर पूछना तो ये जिंदगी बोल के गई प्रेमियों ध्यान से सुनियो गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा था बगड़ में
अद्भुत का बोध बंद हो गया, अद्भुत दानो हाथ करे चार को खावे बाबा वो ससुर जी बताओ पति को बताता माल वाल बताता होगा रुपये रुपये डबरे होंगे तीनों के थे माफ हो जाए ये सही कहते तो उनके तो आखना खावा था कि बाहर खान लगा कोई कुछ दब रहा था मरने का टीम आए यार बाढ़ लेंगे अरे फूल कैसी हो समझने का प्रतिबंध नहीं बते तो पिछड़ी मुंह सी बोल रहे अरे बीमारी ना सो है हंसने से अरे अभी नहीं हंसोगे ना तो कर मैं तो हंस बैंड बैंड बजाओ क्यों यार बड़ी बहुत नगवार है तुम्हारी कांड अपने हस्बैंड को हस्बैंड जाना हो हस्बैंड एक ऐसा बैंड है बिना फोक मारे बजे आपके घरवाली में क्या दो मजे कथा देख घुमा पहले रोटी नहीं खाऊंगा पहले उसे देखेगा वो युवा हस्बैंड हुआ हस्बैंड का मतलब वो सोचता ही नहीं इसमें कुछ दिमाग में कोई नहीं हस्बैंड बिना मतलब का बैंड बजेगा उबिया के वायरलेस के इनको सुने बापो माल बतावे देर देसी चले आ अरे नुको मेरे भाई है नुको भाई का के करे तू भी आ जा भी दे अरबी बीमारी पर वो नेक इंसान का ऊपर रहना है मेरे भाई है हम तीनों चारों भाई बैठ के खाओ मेरा आना के नुको आ गया के करोगे हमने कोशिश करी हाथ हाथ खा रहे अपने बता तो कुछ नहीं बोल बोली करता ही कोई संजन तैयार करो ना कोई ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगते ही बता दो अरे मैं तो डॉक्टर भी थे और वैज्ञानिक भी थे 50,000 रुपए में कम के जमाने में एक इंजेक्शन तैयार कराया पर इंजेक्शन की वैलिडिटी और उसकी क्वालिटी आती है लाख की दो भी बात कहेगा तीसरी नहीं कहेगा बस दो ही बात कहेगा तीसरी नहीं कहेगा कह रहेगा तो तू आ जा तो एक बार बता दे हाथ अब रहा पूरा पार दिमाग में लोग लाल फंस गया चारों आगे इंजेक्शन लेके आगे और आपकी बात को ठूस दिया कुछ भी नहीं पूछा ये परिवार बड़ा जालिम है अपना कोई नहीं है जी अपना तो सब कुछ प्यारा जी क्या देख लियो दिमाग में लास्ट में रही जगह नहीं आश्रम में तो रह जाते बैठे बैठी पोता पोती को काम नहीं आता इंजेक्शन लातरी बूढ़े का या करंट कह रहे बेटी चौथ को बहुत कष्ट करके पढ़ाए थे हर झाड़ू खा गया बछड़ा और वो था कैसे जाता जाता लिख 50,000 का चुनना आ गया अच्छा है संसार करम करे हो Thank you.
का अंतरा। बड़े ध्यान से सुनी, और ये दबा किसी का सजा नहीं है, सजा नहीं तो करके पाप पाया ना सुधरेगा, पाप से डर दे तीन अंतरे बताए बड़े काबिल है प्रेमियों जीवन में उतारने के लिए। आप सत्संग का आनंद ले रही हैं, आपको लखनऊ की बधाई। दबा किसी का सजा नहीं है, सजा नहीं तो कर देखो, चुगली निंदा बढ़ा पाप का, भूखे का चाहे बढ़ देखो, पाप छुपाया ना छुपने का, पाप दोष के घर देखो, दशरथ को भी पड़ा भोगना, पूरा लगे सरवर के तीर है। जब राम को वनवास जाता है तो राजा दशरथ महल की दीवारों में टक्कर मार मार के कहता है कि हे कौशल्य, आज मैं उस रात को तोड़ने जा रहा हूं जो मैंने अपने सीने में दफन किया है। हे प्राणेश्वर, आपकी कौन सी गलती हो गई कि हे कौशल्य, मेरे प्राण बचने वाले नहीं है तो मैंने निर्दोषी के प्राण दिए थे जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो क्या, कि जब सरवण कुमार अपने माँ बाप से कावर लेकर के जा रहा था तो सरयू नदी पर उसको प्यास लगी तो वो अपने पिता के माता अंधे माता पिता के लिए पानी भरने के लिए आया। घड़े की टुक टुक की आवाज सुनी तो मैंने शब्द बेटी बाण मारा, उधर सरवण के प्राण चले गए। अंधे माता पिता ने मुझे शराब दे दिया कि जिस योग में आज हम मर रहे हैं उसी योग में तू मरेगा। हाथ मुझे कोई नहीं बता सकता कौशल्य, चौथी कड़ी में कोई निर्णय दिया ऐसे दे दिया। राजा हो या वो करूं
और ये मोटा पापी अहिया कहबई पटर की के पाई मुर्गा पटर तू कटई गंगा के नाती चाई मोटा पापिया रावण ने साधु वन की साधाई इतनी कला थी कि जरा भी भेद धारण करके श्रम को करने को कुछ विमान था उसके पास 36 करोड़ दी देवता उसकी कैसे रहते थे 40 फकीरी बाणे को धारण करके नहीं ये गुनाह कर दिया और ये मोटा तैयारी मुर्गा पटर भाई आचार नगर वालों